हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। झारखंड धनबाद बैंक मोड़ से मशीन आ चुका है हमारे पास रिपेयरिंग में। भाई साहब ने 150 किलोमीटर चलकर आए हैं हमारे पास रिपेयरिंग करवाने के लिए। स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, यह चैन सो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए 62cc लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और चलिए मैं आपको कंपनी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाईमैक्स, फ्लाईमैक्स कंपनी का यह चैन सो मशीन है। लिखा हुआ है 62cc, बट सिलेंडर चेक करेंगे तब पता चलेगा यह कितना सीसी का है। किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले या रिपेयरिंग करने से पहले आपको चेक करना चाहिए फ्यूल टैंक में फ्यूल। देखिए फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप भी अपने मशीन का चेक कर लीजिए फ्यूल टैंक में फ्यूल, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल होना चाहिए, नहीं है तो डालिए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं यह टू स्ट्रोक मशीन है। टू स्ट्रोक मशीन में पेट्रोल के साथ में टूटी ऑयल मिक्स करना है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml और 1/2 लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल मिक्स करके ही चलाएं। प्राइम बल्ब बोला है, प्राइम बल्ब लगा हुआ है। प्राइम बल्ब को हम 4 से 5 बार प्रेस करेंगे, उसके बाद यह चैन सो मशीन को हम स्टार्ट करेंगे। प्राइम बल्ब अगर आपके मशीन में भी लगा हुआ है तो आपको चेक करना है। यह प्राइम बल्ब प्रेस करते समय आपको देखना है प्राइम बल्ब फटा हुआ, कटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। प्राइम बल्ब सड़ गया है, फट गया है, कट गया है तो चेंज कीजिए, एक नया प्राइम बल्ब लगाइए। चलिए फिर चेक करते हैं स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। स्विच ऑन है, ऊपर की तरफ स्विच ऑन है। दोस्तों स्टार्ट ना होने पर हम चॉक का इस्तेमाल करेंगे, चॉक लीवर को हम बाहर खींचेंगे, मशीन को चॉक में स्टार्ट करेंगे। कभी कभी मशीन स्टार्ट नहीं होता है तो हमें चॉक में स्टार्ट करना पड़ता है। चॉक लीवर को बाहर खींचेंगे, अभी मशीन चॉक में है। यह चैन सो मशीन चौक में भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम चेक करेंगे एयर फिल्टर। चलिए एयर फिल्टर चेक करते हैं। तो देख सकते हैं एयर फिल्टर यह मशीन का क्लीन है। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए, थोड़ा गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपके मशीन में पेपर का एयर फिल्टर लगा हुआ है तो आप चेक कीजिए, थोड़ा बहुत डस्ट लगा हुआ है तो आप एयर से क्लीन कीजिए। यह एयर फिल्टर को इस तरह से ओपन करके आप पेट्रोल से वॉश कर सकते हैं। पेट्रोल से वॉश करके आपको इस तरह से लगा देना है, लग जाएगा। यह जाली वाला एयर फिल्टर है। आपके मशीन में पेपर का एयर फिल्टर लगा हुआ है और पेपर का एयर फिल्टर में बहुत ही ज्यादा डस्ट लगा हुआ है। एयर फिल्टर ब्लॉक हो गया है, चौक हो गया है। एयर फिल्टर को बाहर निकालकर स्टार्ट कीजिए। पेपर का एयर फिल्टर एयर से क्लीन कीजिए। एयर फिल्टर निकालकर स्टार्ट करने पर भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम चेक करेंगे स्पार्क प्लग में करंट। अगर स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा। आपको चेक करना पड़ेगा स्पार्क प्लग में करंट। स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए प्लग रेंज, जो कि आपको मशीन के साथ में मिलता है। जब आप मशीन खरीदेंगे तो आपको साथ में मिलता है प्लग रेंज। प्लग रेंज की मदद से आप स्पार्क प्लग को खोलकर बाहर निकालिए। ये देखिए यह है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग ये है TORCH टॉर्च कंपनी का यह स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का गैप ध्यान से देखिए, स्पार्क प्लग का गैप इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए, चेक कर लीजिए। स्पार्क प्लग का गैप ज्यादा रहेगा तो मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। यह मशीन स्टार्ट रहेगा, आप एक्सेलेटर को प्रेस करेंगे, मशीन अचानक से बंद हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। आपने अपने मशीन में चेक किया है स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, आपके मशीन का स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, बट मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। या स्टार्ट करके एक्सेलेटर को प्रेस करते हैं तो मशीन अचानक से बंद हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्पार्क प्लग को चेंज करके देखना है, एक न्यू स्पार्क प्लग लगाकर देखना है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है, हमारे साथ हुआ है, स्पार्क प्लग में करंट चेक किया, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है बट मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, या एक्सेलेटर को प्रेस करते हैं तो मशीन अचानक से रेस होकर बंद हो जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? देखिए स्पार्क प्लग में करंट कम आता है, स्पार्क प्लग शॉर्ट रहता है। स्पार्क प्लग में करंट कम आएगा, स्पार्क प्लग शॉर्ट रहेगा, कभी कभी करंट आएगा, कभी नहीं आएगा स्पार्क प्लग में। ऐसे में क्या करना है आपको, स्पार्क प्लग को चेंज करके देखना है, एक न्यू स्पार्क प्लग लगाकर देखना है आपको। न्यू स्पार्क प्लग लगाने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको चेक करना चाहिए कार्बोरेटर और रिंग पिस्टन सिलेंडर। स्पार्क प्लग को प्लग कैप में हम लगाएंगे। प्लग कैप में लगाते वक्त आपको ध्यान देना है, अंदर में स्प्रिंग होना चाहिए, प्लग कैप के अंदर स्प्रिंग होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। स्पार्क प्लग प्लग कैप में टाइट होना चाहिए। देखिए करंट यहाँ पर आएगा, ध्यान से देखिएगा।
स्पार्क प्लग पे आप फोकस कीजिएगा। स्पार्क प्लग को आप जरा ध्यान से देखिएगा, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिएगा स्पार्क प्लग को। आपके मशीन का भी स्पार्क प्लग में इस तरह से करंट आना चाहिए, चेक कीजिए आप। स्टार्टर खींचकर स्विच ऑन होना चाहिए आपका। देखा दोस्तों आपने, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है बट यह मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं ना, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, सर स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है बट मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए? चेक करना है रिंग पिस्टन और सिलेंडर एंड मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड ब्रैकेट एंड फ्लैंज, इनमें से कुछ भी डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। जब तक हम चेक नहीं करेंगे हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या खराब है क्या नहीं खराब है। देखिए साइलेंसर डैमेज है, अंदर का पार्ट टूटा हुआ है, साइलेंसर यह डैमेज है, देख सकते हैं साइलेंसर बिल्कुल ड्राई है, सूखा हुआ है, ऑयल नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। साइलेंसर बिल्कुल ड्राई है दोस्तों, कोई भी कार्बन नहीं है। देखिए बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे चैनसो मशीन से साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको चेक करना चाहिए साइलेंसर गास्केट। ये है साइलेंसर गास्केट, अगर साइलेंसर गास्केट कटा हुआ फटा हुआ डैमेज रहेगा तो साउंड बहुत ज़्यादा आएगा। क्या करना है आपको? साइलेंसर गास्केट चेक करना है। साइलेंसर गास्केट डैमेज है, कटा हुआ फटा हुआ टूटा हुआ डैमेज है, तो आप चेंज कीजिए और एक नया साइलेंसर गास्केट लगाइए, साउंड कम हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ साइलेंसर तरफ से, मैं आपको दिखा रहा हूँ रिंग पिस्टन और सिलेंडर। क्लच को इस तरह से घुमाएंगे या रिकॉइल स्टार्टर को खींचेंगे तो पिस्टन अप डाउन होगा। ध्यान से देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है ना, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए ज़रा, ये देखिए रिंग पिस्टन और सिलेंडर पूरी तरह से डैमेज हो गया है, सीज कर गया है, देख सकते हैं रिंग चिपक गया है, सीज कर गया है। देखिए पूरी तरह से डैमेज हो गया है रिंग पिस्टन और सिलेंडर, लाइनिंग आ गया है, स्क्रैच आ गया है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज है दोस्तों। रिंग पिस्टन और सिलेंडर पूरी तरह से डैमेज हो गया है, ख़त्म हो गया है। अपने मशीन का आपने भी इसी तरह से चेक किया है, साइलेंसर तरफ से आपने रिंग पिस्टन और सिलेंडर चेक किया, बिल्कुल सही लग रहा है देखने में। आपके मशीन का रिंग पिस्टन और सिलेंडर देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, स्क्रैच नहीं है, डैमेज नहीं है, सीज किया हुआ नहीं है। साइलेंसर तरफ से सिर्फ आपने चेक किया है तो आप ये नहीं समझिए कि आपके मशीन का रिंग पिस्टन और सिलेंडर बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है? कार्बोरेटर साइड से भी चेक करना है। अगर आपका चैनसो मशीन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, बहुत बार ऐसा भी होता है जब मैं चेक करता हूँ तब पता चलता है कार्बोरेटर साइड से रिंग पिस्टन और सिलेंडर डैमेज रहता है, टूटा हुआ रहता है, सीज किया हुआ रहता है, या एयर फिल्टर इनटेक टूटा हुआ डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, मशीन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। यह इनटेक बिल्कुल सही है, आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। जरा ध्यान से देखिए, मैं कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालूंगा। कार्बोरेटर साइड से भी आपने रिंग पिस्टन और सिलेंडर चेक किया है, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, और साइलेंसर साइड से भी रिंग पिस्टन सिलेंडर देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। पेट्रोल पाइप से पेट्रोल प्रेशर में आ रहा है, आपके मशीन का पेट्रोल पाइप में पेट्रोल इस तरह से प्रेशर में नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक पाइप यहाँ पर लगा हुआ है, यह 3 पिन का कार्बोरेटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्राइम बल्ब लगा हुआ है मशीन में। देखिए एक पाइप खुल चुका है और यह पाइप बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये पाइप डैमेज रहेगा, कटा हुआ रहेगा या दबा हुआ रहेगा, ब्लॉक रहेगा, तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से। क्या होगा? मशीन स्टार्ट होगा, एक्सेलेटर को प्रेस करेंगे, मशीन अचानक से बंद हो जाएगा, पिकअप नहीं बनाएगा। ध्यान से देखिए एक्सेलेटर रॉड कहाँ पर लगा हुआ रहता है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर लगा हुआ रहता है एक्सेलेटर रॉड, यहाँ पर लगा हुआ रहता है कार्बोरेटर में। जी मैंने आपको क्या बताया था? जी हाँ, मैंने आपको बताया था रिंग पिस्टन और सिलेंडर कार्बोरेटर साइड से और साइलेंसर साइड से, दोनों साइड से आपने चेक किया, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, बट आपका चैनसो मशीन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है? बाहर निकालकर चेक करना है, रिंग पिस्टन और सिलेंडर बाहर निकालिए, खोलकर बाहर निकालकर अच्छी तरह से चेक कीजिए। कई बार क्या होता है कि अंदर में रिंग टूटा हुआ रहता है और हमें साइलेंसर साइड से और कार्बोरेटर साइड से नहीं दिखता है। यह राउंड रिंग को मैंने निकाल दिया है, आप अपने मशीन में चेक कर लीजिएगा, यह राउंड रिंग मैनिफोल्ड में लगा हुआ होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके हम सभी स्पेयर पार्ट्स को डिटेल में चेक करेंगे और बारीकी से चेक करेंगे। देखिए यह है फ्लैंज, अभी अभी मैंने मैनिफोल्ड से निकाला है फ्लैंज, फ्लैंज को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर यह फ्लैंज आपको टूटा हुआ लग रहा है, कहीं पर डैमेज है, या फ्लैंज फटा हुआ है, कटा हुआ है, टूटा हुआ है, डैमेज लग रहा है, तो चेंज कीजिए। यह गास्केट लगा हुआ दागी है, यह फ्लैंज टूटा हुआ, फटा हुआ, कटा हुआ, डैमेज नहीं है, देख सकते हैं आप, यह फ्लैंज बिल्कुल सही है और गोल आकार में है,
फ्लेंज का आकार चेंज हो गया है, गोल आकार से लंबा आकार हो गया है, डैमेज लग रहा है देखने में, तो चेंज कीजिए। इसकी वजह से भी मशीन में शार्टिंग का प्रॉब्लम आता है, मशीन स्टार्ट नहीं होता है या मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाता है। अभी मैंने कार्बोरेटर गास्केट जो निकाला था वो भी बिल्कुल सही है, चलेगा, थोड़ा डैमेज है, चलेगा, कार्बोरेटर गास्केट बिल्कुल सही है। ब्रैकेट को चेक करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ब्रैकेट में दो बोल्ट लगा हुआ है 4mm का, एक लिंक बोल्ट मैंने खोल दिया है, दूसरा वाला भी खुल चुका है। या चैनसो मशीन में आपको जानकारी होना चाहिए, ज़्यादातर इसमें यूज होता है क्या, 4mm एलिंकी। 4mm एलिंकी की मदद से आप बहुत सारा पार्ट्स को खोल सकते हैं। यह है ब्रैकेट, बहुत लोग इसे मैनिफोल्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं। मैनिफोल्ड ब्रैकेट आपको अच्छी तरह से चेक करना है। मैनिफोल्ड ब्रैकेट में देख सकते हैं दो नट लगा हुआ है, दोनों नट अगर बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, डैमेज लग रहा है, स्लिप लग रहा है, कार्बोरेटर का जो बोल्ट है वो फुल टाइट नहीं होता है। देखिए मैं किस तरह से चेक कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से चेक कर लीजिए, अच्छी तरह से चेक कीजिए। देखिए थोड़ा लेबल में होना चाहिए, ज़्यादा बाहर निकला हुआ रहेगा नट तो डैमेज रहेगा, इस तरह से थोड़ा लेबल में होना चाहिए, हल्का सा बाहर निकला हुआ रहता है नट। बहुत ज़्यादा अगर नट, यह दोनों नट बहुत ही ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, डैमेज लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यह ब्रैकेट को चेंज करना होगा। अगर यह ब्रैकेट डैमेज रहेगा, फटा हुआ रहेगा, कटा हुआ रहेगा, यह दोनों नट बाहर निकला हुआ रहेगा, नट स्लिप रहेगा, बोल्ट फुल टाइट नहीं होगा। और दो जगह आपको और चेक करना है, यहाँ पर बोल्ट लगता है ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी एलिंकी बोल्ट लगता है ये भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये सब फटा हुआ रहेगा, बोल्ट एलिंकी बोल्ट फुल टाइट नहीं होगा, एलिंकी बोल्ट फुल टाइट नहीं होगा ब्रैकेट वाला, तो क्या होगा, ब्रैकेट लूज रहेगा, ब्रैकेट ढीला रहेगा। जब ब्रैकेट ढीला रहेगा आप मशीन को स्टार्ट करके एक्सेलेटर को प्रेस करेंगे, आपका मशीन अचानक से बंद हो जाएगा, या अचानक से रेस होकर बंद होगा, या एक्सेलेटर लेने पर पिकअप नहीं बनाएगा। आपको अच्छी तरह से चेक करना है ब्रैकेट। और ये देखिए यह है मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड भी मैंने खोल दिया है, मैनिफोल्ड में देख सकते हैं गास्केट लगा हुआ है। यह गास्केट आपको ध्यान से देखकर लगाना है, यह गास्केट अगर निकालते समय फट जाता है तो आपको दूसरा गास्केट लगाना है। यह मैनिफोल्ड को आपको अच्छी तरह से चेक करना है, मैनिफोल्ड अगर दबा हुआ, कटा हुआ, फटा हुआ, डैमेज रहेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल सप्लाई नहीं देगा। ये देखिए मैनिफोल्ड को ध्यान से देखिए आप, ये देखिए मैनिफोल्ड यहाँ पर दबा हुआ है, दब गया है मैनिफोल्ड, यह मैनिफोल्ड ख़राब है दोस्तों। इस तरह से आपके मशीन का मैनिफोल्ड दबा हुआ है या कटा हुआ है, फटा हुआ है, तो आपको चेंज करना चाहिए, एक नया मैनिफोल्ड लगाना चाहिए। मैनिफोल्ड अगर दबा हुआ रहेगा तो फ्यूल सही से सप्लाई नहीं देगा, फ्यूल कम सप्लाई देगा, फ्यूल जब कम सप्लाई देगा तो क्या होगा, आपका मशीन पिकअप नहीं बनाएगा, आप एक्सेलेटर को प्रेस करेंगे मशीन हाई हाई करेगा, मशीन अचानक से बंद हो जाएगा, मशीन रेस नहीं होगा, फुल पिकअप में नहीं चलेगा, फुल रेस में नहीं चलेगा। जिस तरह से मैं सभी स्पेयर पार्ट्स को चेक करता हूं, आपको भी उसी तरह चेक करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा आपके मशीन में क्या डैमेज है, क्या खराब है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एक मशीन को रिपेयरिंग करने में हमें 1.5 से 2 घंटा लगता है। अब आप कहेंगे 1.5 से 2 घंटा क्यों लगता है, तो सभी स्पेयर पार्ट्स को बारीकी से चेक करना पड़ता है, एक एक करके सभी स्पेयर पार्ट्स को अच्छी तरह से चेक करना पड़ता है, डिटेल में चेक करना पड़ता है। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक नहीं देखते हैं और आपको लगता है कि 2 मिनट में या 5 मिनट में हमारा मशीन बन जाए, ठीक हो जाए, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको डिटेल में चेक करना पड़ता है। जिस तरह से मैं चेक करता हूँ उस तरह से आप भी चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या खराब है, क्या डैमेज है, आप उसे चेंज कीजिए, सही हो जाएगा। साइलेंसर साइड से मैंने आपको रिंग पिस्टन दिखाया था, ये देखिए ये है सिलेंडर, सिलेंडर में देख सकते हैं कितना ज़्यादा दागी आ गया है, स्क्रैच आ गया है, लाइनिंग आ गया है। इस तरह से अगर सिलेंडर डैमेज रहेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, मशीन स्टार्ट ही नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरी तरह से डैमेज हो गया है रिंग पिस्टन और सिलेंडर। क्लच या स्टार्टर को घुमाएंगे तो पिस्टन ऊपर आएगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए इस तरह से अगर डैमेज रहेगा रिंग पिस्टन और सिलेंडर तो मशीन स्टार्ट होगा, आपको क्या लगता है, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। आपको ऐसे में क्या करना है, चेंज करना है, न्यू रिंग पिस्टन और सिलेंडर आपको लगाना है। आप बहुत अंदर गाँव में बैठे हुए हैं, आपका दुकान 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पे है, तो मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा, अभी ऑर्डर कीजिए। चैनसो मशीन का सभी स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप हमें बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा, अभी कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। पिस्टन को बाहर निकालने के लिए हम सबसे पहले लॉक निकालना पड़ता है, देखिए पिस्टन से लॉक आप इस तरह से निकाल लीजिए, पिस्टन में 2 लॉक लगा हुआ रहता है, देखिए एक लॉक मैंने निकाल दिया है, एक और लॉक आपको निकालना है। दूसरा वाला लॉक निकालने के बाद आपको पिन बाहर निकालना है, पिन को बाहर निकालेंगे तो पिस्टन बाहर आ जाएगा, नोक प्लास लेकर या आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से लॉक को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। लॉक निकालने के बाद आपको पिस्टन पिन निकालना है, देखिए मैं पिस्टन पिन किस तरह से निकाल रहा हूँ, एलिंकी लगाकर पिस्टन पिन को ठोकूंगा, पिस्टन पिन बाहर आ जाएगा,
पिस्टन पिन को बाहर निकालेगा तो पिस्टन बाहर आ जाएगा। पिस्टन को निकालने के बाद आपको चेक करना है साइड वाशर और बैरिंग। साइड वाशर लगा हुआ है और बैरिंग भी लगा हुआ है, यह नीडल बैरिंग भी सही है, नीडल बैरिंग बिल्कुल सही है। और गास्केट को देखिए, ये देखिए, ये है सिलेंडर गास्केट। सिलेंडर गास्केट देख सकते हैं डैमेज नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेंडर गास्केट बिल्कुल सही है। मैं सिलेंडर गास्केट को चेंज नहीं करूंगा, यह सिलेंडर गास्केट बिल्कुल सही है, कहीं पर भी फटा हुआ, कटा हुआ, टूटा हुआ डैमेज नहीं है। क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक केस के अंदर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है, गंदा लगा हुआ है। हम इसे साफ़ करेंगे पेट्रोल से, हम इसे अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे। क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक केस अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद, पेट्रोल से वॉश करने के बाद, हम सभी स्पेयर पार्ट्स को एक एक करके फिट करेंगे। देखिए किस तरह से फिट करना है। देखिए ये पुराना सिलेंडर मैं लगा रहा हूँ रिंग पिस्टन, और सिलेंडर मैं ओल्ड लगा रहा हूँ। अब भाई साहब ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, मैं आपको सिर्फ 200 रुपये दे दूंगा, आप मशीन को ठीक कर दीजिए। भाई साहब धनबाद से मशीन लेकर आए हैं तो मैं इनसे कोई भी चार्ज नहीं लूँगा रिपेयरिंग करने के लिए। अंदर में प्लेन है, दागी नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए बिल्कुल प्लेन है, कहीं पर भी दागी नहीं है, लाइनिंग नहीं है। दूसरी तरफ भी मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप, दूसरी तरफ भी मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए प्लेन है ना, कहीं भी दागी नहीं है, स्क्रैच नहीं है, डैमेज नहीं है। देखिए ध्यान से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आपका चैनसो मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा था, आपने रिंग पिस्टन और सिलेंडर को खोला है देखने के लिए सही है या नहीं। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको दिखाया सिलेंडर, आपका सिलेंडर इस तरह से होना चाहिए। देखिए 58 लिखा हुआ है, यह 58 सीसी का सिलेंडर है। जैसा कि आपको मैंने वीडियो में पहले बताया था कि ये जो मशीन है यह 62 सीसी ऊपर में लिख रहा है, बट ये मशीन 62 सीसी का नहीं है, 62 सीसी का नहीं है। ये जो मशीन है यह 58 सीसी का है। देखिए पुराना पिस्टन और रिंग मैं लगा रहा हूँ, पुराना सिलेंडर असेंबली मैं मशीन में फिट करूँगा। पुराना ओल्ड रिंग पिस्टन और सिलेंडर लगाने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। रिंग पिस्टन और सिलेंडर पुराना है, लगाने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। पिस्टन फिट करने से पहले बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, डाउट होता है, ये जो एरो है यह कहाँ रहेगा, ये साइलेंसर सेट रहेगा पिस्टन में, ये जो एरो है यह साइलेंसर सेट रहेगा दोस्तों। और देखिए रिंग पिस्टन में कहाँ पर रहेगा, किस तरह से बैठाना है। ऊपर वाला रिंग को जरा आप ध्यान से देखिए, एक पॉइंट पर रिंग लगा हुआ है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए, देख रहे हैं रिंग इस तरह से प्रेस करके आपको सिलेंडर में लगाना है। मैं आपको लगा कर दिखाऊँगा, देखिए इस तरह से। दूसरा वाला जो सेकंड रिंग है, नीचे का सेकंड रिंग आपको इस तरह से देखिए यहाँ पर रहेगा, ध्यान से देख कर लगाइए, देखिए यहाँ पर रहेगा, इस तरह से प्रेस करके सिलेंडर में लगेगा। दोनों रिंग को प्रेस करके लगाना है, दोनों रिंग प्रेस करके सिलेंडर के अंदर लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा। देखिए मैनिफोल्ड लगाने से पहले आपको क्या लगाना है, गास्केट, गास्केट लगाना ज़रूरी है। अगर आप गास्केट नहीं लगाएंगे तो कंप्रेसर लीकेज करेगा, ध्यान से देखकर लगाएगा। मैनिफोल्ड अगर डैमेज रहेगा तो चेंज कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, यह मैनिफोल्ड बिल्कुल सही है। देखिए कहीं पर भी दबा हुआ डैमेज लग रहा है आपको, नहीं लग रहा है क्योंकि यह न्यू मैनिफोल्ड है, यह न्यू मैनिफोल्ड मैं लगा रहा हूँ। देखिए पुराना वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए पुराना वाला इसका दबा हुआ था, डैमेज था, देखिए है ना दबा हुआ, देखिए यहाँ पर दबा हुआ है। अगर इस तरह से मैनिफोल्ड दबा हुआ या कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ डैमेज रहेगा तो क्या होगा, फ्यूल सही से सप्लाई नहीं देगा, फ्यूल कम सप्लाई देगा, और जब फ्यूल कम सप्लाई देगा तो क्या होगा, आपका मशीन स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। कभी कभी मशीन आपका स्टार्ट नहीं होगा, और जब स्टार्ट होगा तो बहुत ही ज़्यादा रेस हो जाएगा, रेस होकर क्या होगा, बंद हो जाएगा, मशीन ऑफ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी आप चैनसो मशीन को खोले रिपेयरिंग करने के लिए, सभी स्पेयर पार्ट्स आपको बारीकी से चेक करना चाहिए, कुछ भी डैमेज हो सकता है, कुछ भी खराब हो सकता है। देखिए चैनसो मशीन जब रिपेयरिंग में आता है ना हमारे पास, लोग बोलते हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, तो हमें एग्जैक्ट थोड़ी पता रहता है कि क्या खराब है, क्या डैमेज है, हमें भी चेक करना पड़ता है, हमें भी डिटेल में स्पेयर पार्ट्स को चेक करना पड़ता है, एक एक करके बारीकी से सभी स्पेयर पार्ट्स को चेक करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी खराब हो सकता है, कुछ भी डैमेज हो सकता है, हमें चेक करने के बाद ही पता चलेगा क्या खराब है, क्या डैमेज है। चेक कीजिए, आप भी चेक कीजिए, पता चल जाएगा आपको आपके मशीन में क्या डैमेज है, क्या खराब है। देखिए ये ब्रैकेट के बारे में मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था ना, ये देखिए ये जो नट है यह सही होना चाहिए, अगर ये नट स्लिप रहेगा या बहुत ही ज़्यादा बाहर निकला हुआ रहेगा, देखिए दो नट लगा हुआ है ना, दोनों नट अगर स्लिप रहेगा तो कार्बोरेटर का बोल्ट फुल टाइट नहीं होगा, और जब कार्बोरेटर फुल टाइट नहीं होगा, कार्बोरेटर लूज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, मशीन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा या स्टार्ट करते ही अचानक से रेस हो जाएगा। ब्रैकेट आपको चेक करना चाहिए, अच्छी तरह से चेक करना चाहिए ब्रैकेट आपको। ये जो कार्बोरेटर का गास्केट देख रहे हैं आप, जो अभी अभी मैंने लगाया है, यह पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ है, अभी सही है, चलेगा। और ये जो फ्लैंज है ये भी बिल्कुल सही है, यह आकार देख लीजिएगा, फ्लैंज का आकार अगर गोल नहीं है,
डैमेज लग रहा है आपको, टेढ़ा लग रहा है, तो आप चेंज कर दीजिए। फ्लैंज का बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, बहुत सस्ता है फ्लैंज। देखा आपने मैनिफोल्ड में मैंने किस तरह से फ्लैंज को फिट किया है। फ्लैंज फिट करना बहुत ही आसान है। फ्लैंज मैनिफोल्ड में आप जब भी फिट करें, स्क्रू ड्राइवर से ना फिट करें, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर से अगर आप फिट करेंगे तो आपका जो मैनिफोल्ड है वो फट सकता है, कट सकता है, डैमेज हो सकता है। जिस तरह से मैंने एलेंकी से फिट किया है, आप भी एलेंकी से फिट कीजिए, फिट हो जाएगा। हॉल फ्लैंज का और मैनिफोल्ड ब्रैकेट का और गास्केट का तीनों का सही होना चाहिए। हॉल को मिला लीजिए, अच्छी तरह से मिलाकर फिट कीजिए। सिलेंडर का जो गास्केट है वो बिल्कुल सही है और लगा हुआ है। ये देखिए पुराना वाला जो सिलेंडर गास्केट है ये बिल्कुल सही है और लगा हुआ है। गास्केट को अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, अगर गास्केट आपका फटा हुआ है, कटा हुआ है, टूटा हुआ, डैमेज लग रहा है, तभी आप गास्केट को चेंज कीजिए। ये देखिए यह है न्यू गास्केट। यह न्यू गास्केट मैं तभी लगाऊंगा जब सिलेंडर गास्केट फटा हुआ रहता, बट सिलेंडर गास्केट बिल्कुल सही है तो मैं यह न्यू गास्केट नहीं लगाऊंगा। रिंग पिस्टन सिलेंडर फिट करने से पहले सभी में ऑयल लगाना पड़ता है, तो ये जो ऑयल है 20W40, यह ऑयल का आप इस्तेमाल करें। यह ऑयल का लुब्रिकेट बिल्कुल सही होता है। देखिए बहुत लोग गलती क्या करते हैं ना, टूटी ऑयल देकर लगाते हैं। टूटी ऑयल यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको 20W40 ऑयल का यूज़ करना है। जो आप बाइक में ऑयल डालते हैं ना, बाइक में कौन सा ऑयल डालते हैं आप, 20W40, इसी ऑयल का आपको इस्तेमाल करना। देखिए क्रैंक शाफ्ट में आप इस तरह से ऑयल लगाइए और बैरिंग में भी लगाना है। क्रैंक केस दोनों साइड से देखिए बैरिंग है, क्रैंक केस में लगा हुआ है बैरिंग, दोनों बैरिंग में आप इस तरह से ऑयल लगा दीजिए। क्रैंक शाफ्ट और दो बैरिंग दोनों में आप अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद ही आप फिट करें रिंग पिस्टन और सिलेंडर। क्रैंक शाफ्ट एंड बैरिंग आपको चेक करना है। रिकॉइल स्टार्टर खींचकर चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। क्रैंक शाफ्ट फ्री घूमना चाहिए, चेक कर लीजिए स्टार्टर खींचकर। चलिए क्रैंक शाफ्ट और बैरिंग बिल्कुल सही है। यह है नीडल बैरिंग। नीडल बैरिंग को लगाने से पहले हम इसमें ऑयल लगाएंगे। ऑयल अच्छी तरह से लगाने के बाद हम क्रैंक शाफ्ट में फिट करेंगे नीडल बैरिंग। नीडल बैरिंग फिट करने के बाद आपको साइड वॉशर लगाना है। साइड वाशर लगाकर वायरिंग को लॉक कीजिए। न्यू सिलेंडर असेंबली फिट कर रहे हैं, न्यू पिस्टन फिट कर रहे हैं। न्यू पिस्टन आप जब भी लगाएं पहले आपको एक साइड लॉक लगा लेना है। देखिए एक साइड लॉक लगा हुआ है पिस्टन में, आप भी इस तरह से एक साइड से लॉक पहले लगा लीजिए। पिस्टन का लॉक एक साइड से लगाने के बाद आपको पिस्टन पिन लगाना है, वो भी ऑयल लॉक लगाते समय देख लीजिएगा, लॉक अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए और आपको इस तरह से लगाना है। देखिए पहले ऑयल लगाना है पिस्टन पिन में, उसके बाद आपको पिस्टन में लगाकर क्रैंक शाफ्ट में लगाना है। और ये जो एरो है साइलेंसर साइड रहेगा, पिस्टन में जो एरो बना हुआ है वो साइलेंसर साइड रहेगा, ध्यान से देखकर लगाइएगा। पिस्टन पिन लगाने के बाद आपको अच्छी तरह से चेक करना है बैरिंग और साइड वॉशर लगा हुआ होना चाहिए। देखिए पिन लगाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, साइड वॉशर और बैरिंग लगा हुआ होना चाहिए। अब आपको दूसरे साइड से लॉक लगाना है, लॉक ध्यान से देखकर लगाएं। नॉक प्लस या आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल स्क्रू ड्राइवर या लॉक प्लस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉक आसानी से लग जाएगा। लॉक लगाना बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए मैं लॉक को किस तरह से लगा रहा हूँ। बहुत लोग ये गलती बार बार करते हैं, रिंग पिस्टन सिलेंडर जब फिट करते हैं तो टूटी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, टूटी ऑयल आपको नहीं लगाना है। ये देखिए ये जो मैं ऑयल डाल रहा हूँ ये ऑयल बाइक में लगता है 20W40, इसी ऑयल का आप इस्तेमाल करें। अच्छी लुब्रिकेट होता है तो इसे सिलेंडर में अच्छी तरह से लगाने के बाद आप पिस्टन और रिंग में लगाएं, पिस्टन और रिंग में इस तरह से ज़्यादा करके देकर लगाएं और सभी तरफ मिला लीजिए। ऑयल को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप सिलेंडर को लगाएं। पिस्टन में जो रिंग का कट है वो किधर रहेगा वीडियो में मैंने आपको पहले बताया था, चलिए अभी भी बता देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से पिस्टन में रिंग कहाँ पर लगा हुआ है, एक पॉइंट आपको दिखेगा, ये देखिए यह कट सेप, इसके बीच में रिंग इस तरह से रहेगा, ध्यान से देखिए ऊपर का रिंग देख पा रहे हैं आप। चलिए नीचे का सेकेंड रिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड रिंग का जो कट है वो यहाँ पर है, आप ध्यान से देखकर लगाइएगा, जिस तरह से मैं फिट कर रहा हूँ आपको भी इस तरह से फिट करना है। दोनों रिंग आपको प्रेस करके रखना है, दोनों रिंग आपको पकड़ कर रखना है, प्रेस करके रखना है, जब तक ये सिलेंडर के अंदर ना चला जाए। जब आप सिलेंडर को फिट करेंगे तो आपको ध्यान देना है, दोनों रिंग को प्रेस करके रखना है और आराम से इसके अंदर आपको फिट करना है सिलेंडर। जब सिलेंडर इसके अंदर चला जाए, दोनों रिंग सिलेंडर के अंदर चला जाए, तब आपको हाथ छोड़ देना है। अभी आपको सिलेंडर को पूरा बैठाना नहीं है, सिलेंडर को बैठाने से पहले आपको क्या करना है, एक एयर का पाइप है उसको आपको लगाना है। एयर पाइप आपको पार करना है, ब्रैकेट से पार करना है, ब्रैकेट और कार्बोरेटर का जो गास्केट है दोनों में हॉल है, दोनों हॉल से आपको इस तरह से पाइप को पार करना है।
एयर पाइप को पार करने के बाद जब वो बाहर आ जाए, एयर पाइप जब बाहर आ जाए तब आप अच्छी तरह से सिलेंडर को बैठाइए। और बैठाने के बाद आपको देखना है, आप जो न्यू गास्केट लगाए हैं वो गास्केट आपको देखना है सही से लगा हुआ है या नहीं। गास्केट का हॉल अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। यह किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अभी लिखिए। अगला रिपेयरिंग वीडियो मैं किस मशीन पर बनाऊँ, जिस वीडियो पर आप ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे मैं उसी मशीन का रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। और क्या मैं आपसे पार्टनरशिप कर सकता हूं? हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आस पास मैकेनिक नहीं है। देखिए जरा आसपास ना, यह किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। Thank you.
एक और पकड़ना स्टार्ट करके पकड़ना।